तो दोस्तों शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म डंकी का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो गया है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा धूम मचा रहा है। और वैसे भी दोस्तों किंग खान के फैंस तो यही बात कह रहे हैं कि पठान, जवान के बाद डंकी ऐसी फिल्म होगी जो बॉलीवुड में अपना डंका बजाएगी। और वैसे भी दोस्तों अगर राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर और शाहरुख खान, जिन्हें बॉलीवुड का किंग खान कहा जाता है, उन जैसे एक्टर एक ही फिल्म में मौजूद होंगे तो फिल्म की हाइप तो डेफिनेटली बनेगी ही बनेगी। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेलर गाइस। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक ट्रेन के शॉट के साथ और फिर नजर आते हैं क्लीन शेव शाहरुख खान। और दोस्तों टीजर को देखने के बाद और जो लुटपुट गया गाना आया था उसको देखने के बाद लोग यही कह रहे थे कि शाहरुख खान को इतना यंग एज क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि जवान में उनका ओल्ड लुक काफी ज्यादा पसंद किया गया था। तो दोस्तों इसका भी खुलासा ट्रेलर के जरिए होता है, जहां शाहरुख खान बता रहे हैं 1995 यानी कि 1995 की स्टोरी, और साथ ही साथ इंट्रोड्यूस करते हैं अपने दोस्तों को, जिसमें विक्की कौशल भी शामिल है और तापसी पन्नू भी शामिल है। और दोस्तों ट्रेलर से एक बात समझ में आती है कि शाहरुख खान और उनके दोस्तों का एक ही मकसद है, बाहर जाकर पैसा कमाना। लेकिन क्या ये काम इतना आसान है? क्योंकि उनके आगे जो सबसे बड़ी चीज रोड़ा बन रही है वो उनकी भाषा यानी कि अंग्रेजी बोलना नहीं आता है उनको, और इसकी वजह से वो बाहर नहीं जा सकते। बमन ईरानी के करेक्टर को भी दिखाया गया जो कि इंग्लिश के टीचर बने हुए हैं, और आपको पता ही है कि राजकुमार हिरानी की फिल्मों में बमन ईरानी का जो कैरेक्टर होता है वो अपने आप में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि अपनी छाप छोड़कर जाता है। तो यहाँ पे भी बमन ईरानी नजर आते हैं इस ट्रेलर में। अब दोस्तों इस ट्रेलर के जरिए एक सोशल मैसेज भी देने की कोशिश की गई है, और साथ ही साथ एक जगह पे ये भी बताया जाता है कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे, जब उन्होंने हमारे देश पर राज किया, तो क्या उन्हें हिंदी बोलनी आती थी या कोई और भाषा उनको बोलनी आती थी? तो उन्होंने भी तो यहाँ पे राज किया था। तो फिर हमारे देश के जो सिटीजन हैं अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो इंग्लिश कंपलसरी क्यों है, मतलब ये क्यों जरूरी है कि उन्हें अंग्रेजी आना चाहिए? और इसी के उधेड़ बुन में ट्रेलर जो है वो नजर आता है। फाइनली दोस्तों ट्रेलर में ये भी दिखाया गया कि शाहरुख खान अपने दोस्तों के साथ कुछ और जरिए से विदेश जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ता है। ट्रेलर में कॉमेडी भी दिखाई गई है, थोड़ा सा रोमांटिक एस्पेक्ट जो है वो भी दिखाया गया है तापसी पन्नू के साथ, क्योंकि शाहरुख खान ये बताते हैं इस फिल्म में कि मेरे लिए अगर कोई लड़ सकता है तो वो मनु है, यानी कि तापसी पन्नू, जो कि मनु का किरदार इस फिल्म में निभा रही हैं। तो दोस्तों ट्रेलर के लास्ट में ये भी दिखाया गया कि शाहरुख खान ने गन पकड़ी हुई है और वो किसी को छुड़ाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ट्रेलर को देखकर तो यही नजर आता है कि शाहरुख खान जो है वो अपने दोस्तों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनके दोस्त जो है वो किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं। अब शाहरुख खान अपने दोस्तों को कैसे छुड़ा पाते हैं, यही ट्रेलर की क्यूरियोसिटी है और यही फैंस की भी क्यूरियोसिटी है कि आखिर फिल्म में आगे क्या होगा, फिल्म जब रिलीज होगी तो उसमें कहानी क्या होगी। लेकिन हाँ, जैसा कि डंकी टाइटल सजेस्ट करता है कि यानी कि अवैध तरीके से आप विदेश जा रहे हैं, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसी की ये कहानी नजर आती है जो कि ट्रेलर में भी नजर आ रहा है। तो दोस्तों ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा शानदार बना है, और जिस तरीके की हाइप इस वक्त शाहरुख खान की चल रही है, जिस तरीके से लगातार फैंस जो उनकी फिल्मों को देख रहे हैं, ऑलरेडी पठान जवान रिकॉर्ड बना चुकी हैं, तो फिर डंकी से भी यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये भी इस साल की एक और बड़ी ब्लॉकबस्टर हो सकती है।